उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। कई लोगों ने जानना चाहा है कि कर्ज से मुक्ति का कोई अचूक उपाय बताइए। तो आज के इस वीडियो में कर्ज से मुक्ति का एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसे करने के बाद बड़े से बड़े कर्ज से भी आप मुक्त हो जाएंगे। हेल्थ विद वास्तु में आपका स्वागत है। पहले ये जान लें कि कर्ज होता क्यों है। कर्ज में डूबा व्यक्ति अपने और परिवार के लिए मुसीबत बन जाता है, इसलिए जब तक अति आवश्यक न हो कर्ज नहीं लेना चाहिए, आवश्यकता हो तभी। मंगल ग्रह को कर्ज का कारक ग्रह माना जाता है। जब किसी की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है या किसी अशुभ ग्रह के साथ योग करता है तो व्यक्ति कर्ज के बोझ के नीचे दब जाता है। इसके अलावा मंगल के अशुभ स्थान में होने की अवस्था में मंगल के 8वें, 10वें, 6ठे भाव में होने पर भी कर्ज लेना पड़ता है। अगर कर्ज में डूब गए हैं तो इसका अचूक उपाय को अपनाइए, कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। क्या करना है ध्यान से समझिएगा। भगवान शंकर कहते हैं, यदि कर्जा हो गया है तो भी घबराने की बात नहीं है। सावन के महीने की 10वीं तिथि को, चाहे वह कृष्ण पक्ष की 10वीं हो या शुक्ल पक्ष की 10वीं हो, किसी एक ही 10वीं को केवल एक बार समी के पत्तों को, अब चाहे वह आप 11 ले लें, 21 ले लें या 51 ले लें या इससे ज्यादा भी ले लें, शहद में डूबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग का श्रृंगार करना चाहिए। मतलब उसको अच्छे से चारों तरफ से बढ़िया चिपका देना है, यानी कि सजाना है, चढ़ाना नहीं है। नर्मदा पुराण एवं लिंग पुराण में वर्णन मिलता है कि भगवान शंकर कहते हैं कि जो सावन के महीने में मेरा ऐसा श्रृंगार करता है उसको धन की कमी कभी नहीं होती है और उसके ऊपर कोई कर्ज बाकी नहीं रहता है। इससे केवल सावन के महीने में ही केवल एक बार ही करना है और किसी महीने में नहीं, और इसको दो बार भी नहीं करना है, एक बार, वो भी पूरे विश्वास के साथ। यदि आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित मानिए कि आपके ऊपर से कर्ज का बोझ बिल्कुल उतर जाएगा। कर्ज से मुक्ति के उपाय के बारे में कैसी लगी ये जानकारी आप हमें अवश्य बताइए। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, अपने लोगों के बीच में इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे कि वो लोग भी इसका लाभ अधिक से अधिक ले सकें। नई वीडियो में किसी ऐसी नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।